हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को मैं तीन पार्ट में बनाऊंगा। अगर आप तीनों पार्ट देख लिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ये टॉपिक जितना आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, मतलब जितना आप हार्ड समझ रहे हैं, उतना हार्ड टॉपिक नहीं है। बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको कुछ चीजों का मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वन मोल का क्या मतलब होता है, ठीक है। दूसरा बात, अगर आप मोलर मास निकाल रहे हैं तो यानी कि मोलर मास हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज आप जानते हैं तो ही आप इस कॉन्सेप्ट को बना पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप अगर मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, मॉलिकुलर मास जो फाइंड करते हैं, वो आप अगर नहीं जानते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, वो आप देख सकते हैं। आपको वहां से उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोल। देखिए, वन मोल का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, जिस तरह से होता है ना कि वन दर्जन मतलब 12 पीस, हम लोग जानते हैं एक दर्जन का मतलब 12 पीस होता है। तो नंबरिंग जो होता है कि एक दर्जन या वन मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सब चीजें होता है। उसी तरह हम लोग पार्टिकल्स को काउंट करते हैं मोल में, और वन मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। मतलब एक मोल में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे मोलर मास फाइंड करने के लिए, तो मोलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं उसको समझ लीजिए। मोलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे हमें निकालना है CO2 का, तो हम इसका मोलर मास क्या करेंगे, यहाँ कार्बन का मास नंबर लेते हैं, तो कार्बन का मास नंबर हो गया 12 प्लस का साइन देते हैं, ऑक्सीजन का मास नंबर लेते हैं, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और दो आपका एटम्स है तो इंटू 2 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। क्लियर है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। चलिए, अब आते हैं हमारा पहला पार्ट का, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आपके पास चार क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले यह समझिए कि मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। This is the formula for finding number of moles. Clear है बच्चों? अब समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें निकालना है number of moles, क्या क्या दिया है। देखिए, given mass, यहाँ पे हमारा mass दिया हुआ है, कितना है 48 ग्राम। उसके बाद चाहिए मोलर मास, किसका चाहिए मोलर मास, ऑक्सीजन गैस का, है ना। तो हम लोग मोलर मास जो है वो पहले फाइंड करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, गिवेन मास कितना दिया हुआ है, बढ़िया से समझिएगा, आपको सारा चीज समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ क्या निकालना है, O2 गैस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये बताइए, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, मास नंबर हो गया 16, तो यानी कि हो गया 16 और दो एटम्स है, तो 16 × 2 = 32, ये इसका हो गया क्या चीज, मोलर मास। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है बच्चों, 48 अपॉन मोलर मास आपने कितना निकाला, 32। क्लियर है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए, जिससे भी ये कट रहा काट दीजिए, किससे कट रहा, 4 से कट रहा, 4 × 2 = 8, यहां हो जाएगा 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 2, ये आप बोल सकते हैं कि ये 3/2 आया, यानी कि इसे आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मोल। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देखा मैंने क्या किया, गिवन मास दिया हुआ था, मोलर मास हम लोग फाइंड कर लिए और फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर है बच्चों? चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपका गिवन मास कितना है। अगर मैं बात करूं गिवन मास, तो गिवन मास दिया हुआ आपका 18 ग्राम। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल्स का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। चलिए मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन कितना आपका, दो एटम्स है, मास नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2 प्लस
ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 16, तो क्या हो जाएगा 2 + 16 यानी कि हो गया आपका 18। तो आप मोलर मास निकाल चुके हैं, कितना है 18 है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, सेम फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है 18 और मोलर मास कितना निकला 18 निकला, कट करके हो गया क्या चीज 1 मोल, इसका आंसर क्या आएगा 1 मोल। बस समझे, देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना, आप बस मोलर मास निकालिए और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप फाइंड कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस, तो हमारा जो गिवन मास है वो कितना दिया हुआ है, देखिए गिवन मास दिया हुआ है 22 ग्राम, ठीक है। अब हमें मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन का मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हो गया 6, मास नंबर हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 इनटू 2, 2 क्यों लगा रहे हैं, दो एटम्स है, तो 12 प्लस 16 2 = 32 कितना हो गया, देखिए 4 और 3 = 14 आपका मोलर मास निकल रहा है 44, क्लियर है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है 22/44, कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 1/2 आप बोलेंगे क्या 0.5 मोल। देख रहे हैं बच्चों कितना इजी है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग फोर्थ भी बात कर लेते हैं, फोर्थ आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए इसे और बताइए क्या आंसर आ रहा है, मुझसे पहले सॉल्व कीजिए आप। देखिए दिया हुआ आपका गिवन मास 51 ग्राम, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ NH3, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो NH3 का क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, मास नंबर हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 × 3, तो क्या बोलिएगा 14 + 3 यानी कि हो जाएगा आपका 17, तो मोलर मास आ गया 17। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है 51 और मोलर मास कितना निकालना है 17, तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 मोल। तो उम्मीद है आपका भी आंसर आ गया होगा। तो देखा बच्चों कितना इजी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे थे। चलिए ये रहा हमारा सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्या बोला जा रहा, फाइंड द मास ऑफ, इस क्वेश्चन में आपको मास फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें भी 4 मैंने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब क्वेश्चन को समझिएगा, जो पहले मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, आपको क्या निकाल रहा है, मास निकालने बोला है, ठीक है, और किस आइटम का है वो भी दे दिया, नाइट्रोजन का आइटम का है, क्लियर है। अब इसको फॉर्मूला सेम यूज करेंगे बच्चों, ज्यादा फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो दिया हुआ है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, दिया हुआ है सारा कौन कौन सा आइटम है, उसके बाद गिवन मास हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बात समझ रहे। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास निकल गया आपका गिवन मास, क्लियर है। चलिए उसी को यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स देखिए पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों, पता है कितना है 1 है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, मोलर मास कितना निकल जाएगा, देखिए नाइट्रोजन का बोल रहा है, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14, तो कितना हो गया आपका 14 हो गया। अब आपको क्या बोला है, मास निकालिए, यानी कि गिवन मास निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, मैं लिख देता हूं फर्स्ट है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्लियर है ना बच्चों। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास 1, आप मोलर मास कितना निकाले 14, तो क्या बोलिएगा 14 ग्राम आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, मास, क्लियर है, बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जो पहला टाइप पढ़ा था उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में जो मास है ये वाला पार्ट वो निकाल रहे हैं, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूला वगैरह सब सेम यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सेकंड अब हम बात करते हैं, देखिए सेकंड में क्या है,
एट मोल्स दिया हुआ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना एट है, और क्रॉस कौन सा आपका किस कौन सा आइटम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का आपको क्या निकालना है, मोलर मास चाहिए, तो एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना 30, और मास नंबर कितना होता है इसका 27 होता है, क्लियर है बच्चों। तो अब क्या कीजिए आप, निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 8 है और ये आ गया 27, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 87 जब 56, 82 जब 16 और 4 20 और 21 216 ग्राम, क्लियर है बच्चों। तो ये है थर्ड का, सॉरी सेकंड का, अब हम लोग थर्ड देखते हैं। चलिए इसी तरह आप थर्ड वाला देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, 0.2 मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.2, और कौन सा आइटम है आपका, ऑक्सीजन आइटम है। चलिए मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास क्या किसका निकालना है, ऑक्सीजन आइटम का, ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम, तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना होता है 8 2 16, क्लियर है। चलिए मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास इंटू सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2, मोलर मास कितना आपका 16 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 16 2 32, यानी कि 3.2 ग्राम, ये आएगा आपका क्या चीज, मास, किसका, थर्ड का आंसर। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ का बना लेते हैं, चलिए फोर्थ का भी बना लेते हैं हम लोग। चलिए फोर में क्या बोल रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो नंबर ऑफ मोल्स 2 है, किसका निकालना है, वाटर का, तो निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो क्या हो जाएगा 18, क्लियर है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2 इंटू मोलर मास कितना निकाले, 18 18 2 36, तो ये निकल गया बच्चों आपका मास। तो ये था आपका, बोल सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालते हैं, हम ये जान गए कि मास किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये जो यूज किए ना हम लोग, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो मैं फॉर्मूला बताता हूं, उस केस में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर क्या है, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट में, यानी कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में।